विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सालय के चिकित्सक एवं कर्मचारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एनके श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य। आज बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, इसे संरक्षित रख कर ही हम स्वयं को एवं पृथ्वी को सुरक्षित एवं स्वस्थ बना सकते हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और 1950 से स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है, जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। इस अवसर पर डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर पूनम पांडे, डॉक्टर सी विका अस्थाना, विवेक सिंह, डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर अमरनाथ जायसवाल, उमा राय सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एन के श्रीवास्तव एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जाता है और आज के दिन की जो हमारी थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इसी पे हम लोगों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया था जिसमें आम जनमानस भी था, हमारे स्टाफ के भी लोग थे, जिसमें सभी को ये बताया गया कि हम लोग कैसे स्वयं की, अपने पारिवारिक सदस्यों की, पड़ोस की और समाज के लोगों के स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रखा जाए, बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए, इसी के बारे में चर्चा हुई है कि अपने घर, पड़ोस, मोहल्ले और शहर को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पौधारोपण करें और घर के आसपास कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा दें, होने दें, नालियों की साफ सफाई दुरुस्त रखें जिससे मच्छर या कोई अन्य इस तरह के वेक्टर न पनपें और उनसे होने वाली बीमारियों से हमारा बचाव हो सके। साथ ही साथ खान पान और रहन सहन में बदलाव, योगा की महत्व के महत्व पर भी चर्चा हुई जिससे कि सामान्य व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखे और बीमारियों से अपने आप को बचा के रखे। देखिए, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस था और ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1949 में की गई थी और 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा और प्रत्येक वर्ष जो है इसकी एक थीम दी जाती है और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है और जिससे कि लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें। और ये जो है अब इस वर्ष जो है हम लोगों ने जो दिया था थीम दी थी आवर प्लैनेट इज आवर हेल्थ करके दिया था कि हम, और इसमें उन्होंने पर्यावरण, जलवायु, व्यक्तिगत स्वच्छता और साथ ही साथ जो है व्यक्ति के जो है उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ की तमाम चीज़ों के लिए बारे में लोगों को जागृत करने का निर्देश था। उसी के तहत जो है हमारे 266 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर सभी जगहों पर हमारी CHOs ने कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमारे
जो भी गांव के लोग थे सब लोग सम्मिलित हुए और वहां पर जो है एनसीडी की स्क्रीनिंग की गई और लोगों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में चेताया गया। मौसम में तेज धूप रही, बचाव के लिए लोग ये मौसम लगातार बदलता जा रहा है, बदलते लोग और बदलता मौसम हमेशा खतरनाक होता है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर वातावरण का तापमान 1 डिग्री बढ़ता है तो लगभग 8% डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं उस समाज में। तो इस वक्त जैसे सबसे ज़्यादा प्रमुख बीमारी जो होती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, जिसमें उल्टी टट्टी पेट में दर्द होता है। दूसरा जो होता है ज़्यादा देर धूप में रहने पर हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें व्यक्ति का जो है थर्मल कंट्रोल खत्म हो जाता है, व्यक्ति को जो है हाथ पैर में अकड़न आती है, बहुत तेज़ बुखार आता है, बाद में झटके आते हैं और अगर उचित समय पर उपचार नहीं मिलता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां होती हैं जैसे शरीर में पानी की कमी, जिसको आप लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा जो है स्किन में ड्राई स्किन होती है और ड्राई स्किन होती है, सन बर्न की शिकायत हो जाती है धूप में ज़्यादा देर रहने से, और धूप में इस तरह का तेज़ धूप में ज़्यादा देर काम करने वालों को स्किन कैंसर भी होने की संभावना होती है। इसी तरह से आँख का पानी कम हो जाता है तो आँख में लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो ड्राई आई होती है, कंजंक्टिवाइटिस और इचिंग होती है। इसका बचने का उपाय यही है कि सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्रातः 11 बजे तक अपने सारे कार्य कर लें और 11 बजे से 4 बजे तक की प्रचंड धूप होती है और 11 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके निकलिए, मोटे वस्त्र पहनिए, पूरी बांह के कपड़े पहनिए, अपने सर को ढक करके रखिए, तौलिया गमछा टोपी रुमाल या छाता से रखिए और अपने साथ अपना स्वच्छ जल अवश्य रखिए। बाहर का पानी दूषित होता है, खास करके सड़क के किनारे बिकने वाले पना पानी के टैंकरों में जो पानी होता है या पानी के घड़ों में या पानी की मशीनें जो होती हैं, अगर आपको पानी पीना ही पड़ता है तो जो जगह जगह पर जो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हर जगह पर इंडिया मार का हैंड पंप लगे होते हैं उनका पानी पीजिए या किसी प्रमाणिक व्यावसायिक संस्थान का पानी पीजिए। सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल, मिठाइयों की दुकान पर जो खोए की मिठाइयाँ होती हैं उनका मत कीजिए, ताज़े खाने का प्रयोग कीजिए और शुद्ध जल होना चाहिए। घर में भी अगर आपका पानी शुद्ध नहीं है तो उसको जो है आप क्लोरीन टैबलेट से लेकर के उसे प्योरीफाई करके तब उसका पानी पीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ORS का घोल लेना चाहिए। ORS का घोल जो है अगर आपको किसी राजकीय चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं, अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो चीनी नींबू नमक का शरबत मिला लीजिए, तो इससे जो है आपको आपका इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहेगा और आप इन समस्याओं से निजात पाएंगे।